हेलो फ्रेंड्स, उपनिषद में से कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो एक तो उपनिषद में फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए कि 108 उपनिषद हैं, उनमें कौन कौन से उपनिषद में क्या क्या है, ये तो फैक्चुअल पोजीशन हो गई, तो इसको तो याद करना पॉसिबल नहीं है। कुछ तो आप याद कर सकते हो, कुछ याद नहीं कर सकते हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल द स्टफ़। कुछ मेन उपनिषद हैं 10, जो शंकराचार्य जी ने भी बताए हैं, उन पर हम डिस्कस करते रहेंगे, तो उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। थोड़ा सा जो है वो अंदर का डिटेल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो वो फैक्चुअल पोर्शन हो गया। उपनिषद जो हैं वो कंक्लूजन है वेदों का, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, आपको पता होगा, ठीक है? तो इसमें जो है हमें ये देखना है कि उपनिषद एक फ़िलोसफी क्या है। कुछ नहीं है उसमें, केवल आपके अहम को समाप्त करना है। जो आप समझ रहे हो कि आपकी बहुत बड़ी सत्ता है, आपकी इच्छाएँ बहुत बड़ी हैं, आपके थॉट बहुत बड़े हैं, ये सब जो आप समझ रहे हो ना, इस सब को समाप्त करना ही उपनिषद का मेन लक्ष्य है। और उपनिषद ये बताता है कि आपकी कोई हस्ती नहीं है, आपको जो शरीर दिया गया है वो केवल आपके चेतना के विकास के लिए दिया गया है, जिससे आप अपनी चेतना को विकसित कर सकें, उसको ईश्वर के जो है वो निकट ला सकें, समीप ला सकें, ब्रह्म के समीप, ठीक है? ये बेसिक फिलॉसफी है इसकी। हमारा जो अपना अस्तित्व है वो कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें जो है वो मूल वृत्ति है, मूल वृत्ति होती है प्रकृति में, प्रकृति यानी नेचर, नेचर में मूल वृत्ति होती है, और मूल वृत्ति से ही जो है वो अहम वृत्ति बनती है, अहम माने मैं, और अहम वृत्ति ही हम हैं, यही जीवन है। प्रकृति हमें जीवन देती है, प्रकृति अपूर्ण है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, अनंत नहीं है, जबकि ब्रह्म जो है वो पूर्ण है, संतुष्ट है, अनंत है, अचल है, अचित्य है। उसको अनंत का मतलब जो है वो अनंत अनंत के साथ उसको सोचा नहीं जा सकता, उसके बारे में वो एक अलग डायमेंशन है, और प्रकृति जो है वो एक अलग डायमेंशन है, ठीक है? प्रकृति की रचना जो है वो ब्रह्म ने ही की है, प्रकृति कोई अलग से सत्ता नहीं है। बट जो प्रकृति का मेन कॉज है वो ये है कि हम जो है वो मूल वृत्ति और अहम वृत्ति के माध्यम से ईश्वर का जो है वो सानिध्य प्राप्त करें, ठीक है? और यही ड्यूलिज्म है। ड्यूलिज्म माने जो एकात्म का अपोजिट है, जिसको हम सांख्य योग में समझते हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष माने जो है वो जीवन होता है, पुरुष माने आदमी नहीं होता सांख्य योग में। तो मैं आगे और डिस्कस करूँगा इसके बारे में, आपको डिटेल में बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। बट बेसिक उपनिषद का फिलॉसफी आप समझ लीजिए, अपने अहम को समाप्त करना, ये देह दी है हमें प्रकृति ने, और ये इसलिए दी है कि हम जो है वो अपनी चेतना का विकास कर सकें। चेतना माने होता है कॉन्शियसनेस, ठीक है? यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य मजे लेना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य पूजा पाठ ही करना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य तपस्या करना है, और जो है वो सत्य के मार्ग पर चलते रहना है, भले ही ऐसा करने में हमारी जो है वो देह छूट जाए, प्राण छूट जाए, ठीक है? तो अहम क्या है, उसको समाप्त करना है अपना, जो हमने अपना बना रखा है, ठीक है? फिर कुछ कीवर्ड है, मन, इंद्रिय, बुद्धि, और ये जीवात्मा, परमात्मा क्या है? परमात्मा यानी ब्रह्म सुप्रीम, जीवात्मा यानी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, ये जीवात्मा होती है, ठीक है? और मन क्या है, मूल वृत्ति किसकी, प्रकृति की, ये हमारा जो है वो मन है बेसिकली अगर हम बात करें। अहम क्या है, मैं, अहम वृत्ति जो मन से बनी, हम मैं, वो अहम वृत्ति हो गई। और देह है हमारे पास, शरीर है, जीवात्मा भी है, तो इन सब में एक संतुलन आवश्यक होना चाहिए। कैसा संतुलन आवश्यक होना चाहिए, देह सीता है, मन लक्ष्मण है, और राम जीवात्मा है, अहम रावण है, तो चारों लोगों का होना अनिवार्य है, लेकिन चारों लोग आपस में संतुलन बनाए रखें। अहम अपनी जगह रहे वो ठीक है, मन अपनी जगह रहे, मन जो है वो तो रहेगा ही देह के साथ में और जीवात्मा के साथ में, यानी देह हो गई सीता, जीवात्मा हो गए आपके, मैं एनालॉजिकल आपको बता रहा हूँ याद करने का तरीका, जीवात्मा राम हो गए, मन लक्ष्मण हो गया, ये तीनों रहेंगे, अहम भी रहेगा, बट अहम जो है हावी नहीं होना चाहिए इन तीनों पे। अगर अहम हावी हो गया मन पे, युद्ध होगा, देह पे हावी हो गया तो फिर सर्वनाश होगा, और अगर जीवात्मा पे हावी हो गया तो भी जो है वो फिर वो युद्ध होगा। युद्ध का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो रावण अपनी जगह ठीक है, रावण अहम है, वो अपने रहें, लक्ष्मण, सीता और राम अपने रहें, तो लक्ष्मण मन, सीता देह और राम जीवात्मा, अहम रावण, इस एनालॉजिकल फॉर्म में आप याद रखो, चारों में संतुलन रहेगा तो ठीक रहेगा। और अहम अगर कुछ गड़बड़ करेगा फिर विध्वंस होगा, युद्ध होगा, लॉस होगा। तो यही चीज़ है उपनिषद की जो बेसिक फिलॉसफी है। ये क्वेश्चन फैक्चुअल तो आते ही हैं, साथ में बेसिक फिलॉसफी के भी आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, क्या क्रक्स क्या है इसका। तो उपनिषद का क्रक्स यही है बेसिकली।
आपके हम का नाश करना और आपको बताना कि आप जो अपने आप को समझते हो सुपरस्टार, वो सुपरस्टार आप नहीं हो, आपकी इच्छाएं कुछ नहीं है, वो मूल वृत्ति से उत्पन्न हैं जो कि अहम वृत्ति के रूप में हैं और वो प्रकृति की देन है, क्योंकि प्रकृति अपने आप को अतृप्त अपूर्ण समझती है, इसलिए वो इच्छाएँ पैदा करती रहती है। सांसारिक इच्छाएँ वो होती रहेंगी, क्योंकि शरीर है, देह भी है, अहम भी है, जीवात्मा भी है, मन भी है, सब कुछ। लेकिन जो मैंने संतुलन का आपको प्रोसेस बताया, वही जो है वो उपनिषदों का क्रक्स है। आगे मैं फैक्चुअल आपको और बताता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा लेसन सुनकर। थैंक यू।